आसिया बाजी है, उनको बहुत बहुत मुबारक है क्योंकि उनका चैनल बहुत ही मोनेटाइज हो गया है। हाँ इंशाल्लाह हम आसिया आप के पास जल्द मिलने उनके पास मिलने भी जाएंगे। ये हाथ से बनी हुई मिठाई है हमारे गांव में जो है ना, साथ में ही एक खाला जी है वो बना अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे जितने प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज ना सुहेब बेटा सर्दी लेने के लिए नहीं गया था तो उसने कहा है कि आज हमारे बुंगरे काफ़ी सारे लगे हुए हैं तो यहीं से तोड़कर फिर शाम को सालन बनाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई चैनल बनाए हुए हैं मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबियाँ दे। तो अभी हम यहाँ से थोड़े से बुंगरे बनाएँगे। तो आज ना सुबह सुबह हमारे हमसाए हैं ना नज़दीकी वहाँ से उनके गन्नों की कटाई हो रही थी तो वो भी हमने थोड़े से जानवरों के लिए बनाए थे तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो शुएब को देखो इसने ना मोटे मोटे तोड़ लिए हैं, ये तो बीज के काम आते हैं, इसका तो सालन नहीं बनता ना, तुमने जो नरम नरम है ना वही तोड़ने हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब घर खैरियत से होंगे, आप जा रहे खुश रहे आबाद रहे। तो प्यारे वर्द क्योंकि जो आसिया बाजी है उनको बहुत बहुत मुबारक है क्योंकि उनका चैनल बहुत ही मोनेटाइज हो गया है। इंशाल्लाह हम आसिया आप के पास जल्द मिलने उनके पास मिलने भी जाएंगे। यहाँ मैंने काफ़ी सारे ना ये बुंगरों के बूटे लगाए हुए हैं तो इनके ऊपर काफ़ी जो मोटे मोटे लगे हुए हैं ना इनका बीज बनाया जाता है तो आगे से जो नरम नरम थे वही मैंने तोड़ लिए हैं और काफ़ी और भी बूटे हैं वहाँ भी जाकर देखते हैं। चलो शुएब यहाँ से पहले तो छोटे थे तो अब बड़े हो चुके हैं इसलिए नहीं ये बीज के काम आएंगे, ये काफी जब सूख जाएंगे तो इनको काट के रख देंगे फिर बीज बनाएंगे और भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो नानू अबू आप देख सकते हैं घास काट रहे हैं तो अभी चलता हूँ नानू अबू की हेल्प करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, तो सर बड़ा सारे ठीक हो तो हम भी ठीक ठाक हैं, कम करने पे आए जनावर का घा फटा करने पे आए। तो प्यारे व्यूअर्स अभी ना शुएब मेरे साथ ये भूरे तोड़ रहा था, वो काफ़ी मोटे मोटे तोड़ रहा था तो मैंने उनसे कहा है चाहो अबू ना घास बना रहे हैं तुम थोड़ी उनकी हेल्प कर दो। तोड़ के रख दिए हैं तो शाम को सालन बनाएंगे। तो हमने जो सुबह को ये काम किया था ना आगा हमसायों का कमांद काट रहा था तो हमने सोचा अपने जानवरों के लिए भी थोड़ा सा आगा बना लेते हैं तो वो कहते हैं साथ में ये अपना ये भी साथ लेके जाना है तो हमने ये भी साथ लेकर तो उस वक्त आए थे तो हमने अभी सोचा इसको अलहदा कर देते हैं। तो ये जो हमने आगा बनाया हुआ है इसको अलहदा बना कर रख देते हैं इस तरह क्योंकि ये तो कुछ नरम नरम है और ये ज़्यादा सूखा है ना इसलिए। और हमने काफ़ी सारा बनाया था चलो दो तीन दिन गुजर जाएंगे क्योंकि टूरी भी ख़त्म हो गई थी
तो ये भी जानवरों के साथ, क्योंकि थोड़ा सा घास है ना बाहर, वो बना लेते हैं, तो साथ में ये भी मिक्स कर देते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, ये साथ में छोटे छोटे गन्ने भी होते हैं ना, तो जानवर बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा गन्ने शौक से खाते हैं ना, तो जानवर भी इसी तरह बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और मीठे भी होते हैं। आज मैं जब सुबह को गई थी ना गन्ने बनाने के लिए, शुएब और फातिमा ने तो काफ़ी सारे गन्ने खाए थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे, इसलिए वहाँ भी काफ़ी सारा काम किया था। बना के गन्ने रखने पड़ते हैं अलहदा, क्योंकि वो फिर गुड़ बनाते हैं ना, इसलिए। तो आप देख सकते हैं इसके साथ गन्ने भी लगे हुए हैं, ये पतला है, कुछ खराब होगा ना, इसलिए तेरे नीचे आ गया होगा। तो क्या, क्योंकि हमने ये अलहदा करके रख दिए हैं, ये तो काफ़ी सारे पड़े हैं, वो भी अलहदा करेंगे, और ये सूखे हैं उनको हमने अलहदा करके रखा हुआ है, ये तो आग के काम आएंगे, और ये जो हमने बना के रखे हुए हैं, ये जानवरों को काट के हम डालेंगे, तो ये भी काम खत्म कर लेंगे। फिर जाएंगे किचन में, सालन वगैरह भी बनाएंगे, बर्तन धोएंगे, और काम होता है बहुत सारा वो भी करेंगे, क्योंकि मैं गोबर भी मिलूँगा गाय के, और गाय को पानी भी पिलाना है। हाँ, तो हम वगैरह भी डालूंगा। हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, और अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, और जो दुख तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बुज़ुर्गों का साया भी हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।